तंगी जो निकलता मुश्किल से गले लगा जो किसी को मुंबई के लोग बसे धक्के बुके काफी सफर में निकला कुछ करने को शुक्रवा चागो दराई बाबा सर्वश्रेष्ठ ने सर्वप्रथम प्रणाम तुम्हारा करुण में निकल साधन। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग के तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग के तरफ। ओके, तो यार वीडियो एडिट करने के लिए आपको लाइट मोशन में आना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज़ में। अब यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी फोल्डर में आपका फोटो है अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको फोटो एड करना है, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है एंड शेयर आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेंजिंग में सिलेक्ट करके स्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव करके, सेव पर क्लिक करना है, इस जो फोटो को सेव कर लेना है। फिर इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट करना है एंड प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है एंड शेयर आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेंजिंग में सिलेक्ट करके स्पॉट पे क्लिक करना है। तो सेकेंड फोटो को इसी प्रकार से क्रॉप करना है और यहाँ पे सेव करके यहाँ से बैक आना है, इस फोटो को डिलीट करना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, तीसरा फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेंजिंग में स्पॉट करना है। सो गाइस, इसी प्रकार से टोटल आपको 6 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे 6 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। सो यार, आप भी अपने 6 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लो। ओके, सॉरी गाइस, 7 फोटो को क्रॉप करना, मैं 6 बोल रहा था, तो 7 फोटो को क्रॉप कर लेना ध्यान से। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा सा भूल गया था क्योंकि हो जाता है कभी कभी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 7 फोटो को क्रॉप कर लिया है। अब यहाँ से आपको बैक आना है। ओके, तो पहले मैं फोटो को सेव होने देता हूँ। अब यहाँ से बैक आना है, इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देना और उसके बाद बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। अब जैसे आप बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, अब गाइस आपको सिलेक्ट करके नीचे आना है और यहाँ पे सबसे नीचे में एक लेयर आपको दिखाई देगा, आपको इस लेयर पे क्लिक करना है जिसमें लिखा हुआ है आसिफ टेक इमेज। आपको इस लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करना है और ऊपर आपको अपनी फोल्डर सेलेक्ट करना है, आपने जो फोटो को क्रॉप किया है उस क्रॉपेड फोल्डर को सिलेक्ट करना है। अब आपको सबसे पहला फोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, तो एक लेयर में हमारा फोटो ऐड हो गया है। अब सेलेक्ट करके आगे जाना है और जैसे आगे जाओगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आगे 9 सेकेंड से आपको छोटा छोटा लेयर दिखाई देगा। तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ आपको कहाँ पर कितना फोटो ऐड करना है, कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले आप 9 सेकंड में देखोगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लोज में डबल बीट मार्क दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मतलब एक साथ 2 बीट मार्क है। तो बस यहाँ से लेकर अब आगे जहाँ पर भी डबल बीट मार्क है वहाँ तक जितना भी लेयर्स है बीच में, इन सभी लेयर्स में आपको किसी एक फ़ोटो को ऐड करना है। फिर यहाँ पे जैसे डबल बीट मार्क आएगा आपको फोटो चेंज कर देना है, जैसे कि मैं आपको देखता हूँ इस लेयर से आपको फोटो चेंज करना है एंड उसके बाद आगे डबल बीट मार्क जहाँ पर भी मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 17 सेकेंड पर, तो यहाँ तक जो है आपको इस फोटो तक ये मतलब हमारा सेम फोटो रहेगा। बस इसी प्रकार से आपको डबल बीट मार्क से लेकर डबल बीट मार्क तक सेम फोटो एड करना है, फिर फोटो चेंज करना है, फिर डबल बीट मार्क से लेकर डबल बीट मार्क तक सेम फोटो एड करना है, फिर फोटो चेंज करना है। अब कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको शुरू में आ जाना है 9 सेकेंड पर और यहाँ पे पहला लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है। तो हमने जो अभी फोटो को ऐड किया उसको छोड़ देंगे, किसी और फोटो को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है, तो लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है, अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो मैं फोटो में जो सेम मैंने सेम फोटो को ऐड किया, इसी प्रकार से आपको सेम फोटो को ऐड करना है इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि डबल बीट मार्क से लेकर डबल बीट मार्क तक बीच में जितना भी लेयर्स रहेगा सभी लेयर्स में आपको एक ही फोटो ऐड करना है। तो इसी प्रकार से ऐड करना है, लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, फिर इसी प्रकार से आपको फोटो को ऐड करते जाना है। जैसे आप डबल बीट मार्क आएगा आपको फोटो चेंज करना है, तो यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके कलर एंड फिल पर क्लिक करना है, टैक्स पर क्लिक करना है, अब किसी और फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है और वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। बिकॉज अब यहाँ से लेकर आगे डबल बीट मार्क यहाँ पे 17 सेकंड पे है, तो 17 सेकंड तक हम सभी लेयर्स में वही फोटो को एड करेंगे जिस फोटो को भी आपने पहला लेयर में एड किया, यानी कि यहाँ पे 9 सेकंड पे नहीं, ये जो डबल बीट मार्क पे लेयर है ये वाला लेयर,
13 सेकंड पे इसमें जो आपने फोटो को ऐड किया है उसी फोटो को आप आगे डबल इट मार तक ऐड करना, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। तो हम इसी प्रकार से फोटो को ऐड करेंगे। तो फोटो ऐड करने का प्रोसेस सेम है, लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको अपनी फोटोज़ को ऐड कर देना है और यहाँ पर आपको लास्ट तक सभी फोटो को ऐड कर लेना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि डबल इटमार से लेकर डबल इटमार के बीच में जितना भी लेयर्स रहेगा, अब चाहे 7 लेयर रहे, 10 लेयर रहे, चाहे जितना भी लेयर्स रहे, सभी लेयर्स में आपको सेम फोटो को ऐड करना है, आपको फोटो चेंज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, बस यही कहना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे कि आप लोग देखते हो, ये डबल इटमार से मैंने सेम फोटो ऐड किया, देखो इतना यहाँ पे कितना लेयर्स था, मैंने सभी लेयर्स में एक ही फोटो ऐड किया, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। अब जैसे फोटो यहाँ पे चेंज होगा, अब दूसरा लेयर हम क्लिक करेंगे और कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर लेंगे, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फोटो को ऐड करना है। ओके, तो लास्ट किसी प्रकार से फोटो को ऐड कर लेना, जिस प्रोसेस को मैंने आपको बताया इसी प्रोसेस से। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सही फोटो को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। सो यार, आप भी सही फोटो को इसी प्रकार से ऐड कर लो। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो, मैंने फोटो को ऐड किया है डबल इटमार से लेकर डबल इटमार के बीच में सभी लेयर्स में मैंने सेम फोटो को ऐड किया है। बस इसी प्रकार से आपको फोटो ऐड करना है और फिर यहाँ से बैक आना है, सर्टिफिकेट प्रीसेट को ओपन करना है, इस डबल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट अ लेयर करना है, नीचे से इमेज को अनटिक करके फिर से डबल आइकन पे क्लिक करना है, कॉपी 7 लेयर कर लेना है, फिर यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 7 लेयर यानी कि पेस्ट 7 लेयर कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने इसको फिक्स कर रखा है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर 3 डॉट पे ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।